सीजन की शुरुआत जीहो नामी लड़की से होती है जो अपनी दोस्तों के साथ अपनी 20th बर्थडे मना रही है। कैंडल्स ब्लो करते वक्त उसकी सिर्फ एक ही विश थी कि वो दुनिया की बेस्ट राइटर बन जाए। अब इस विश के 10 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। जीहो राइटर तो बन गई है लेकिन सिर्फ एक असिस्टेंट राइटर, और ये काम वो पिछले 5 सालों से करती आ रही है। जीहो घर में अपने भाई जीसुक के साथ रहती है। वो काम की वजह से 3 महीनों से घर नहीं गई और आखिर में उसे छुट्टी लेकर घर जाने का मौका मिलता है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जीसुक ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया। फिर जीसुक उसे घर छोड़ने का भी बोल देता है। पिछले 5 सालों से घर के सारे बिल्स बेचारी जीहो पे कर रही है, लेकिन फिर भी उसे घर में कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ तक कि उसके डैड ने भी घर उसके भाई के नाम कर दिया है। जीहो अपने लिए घर तलाश करना शुरू हो जाती है। सीन्स चेंज होते हैं और हम सीही नामी लड़के से मिलते हैं जो लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं है। उसके घर में एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं जिन्हें वो रेंट पर देता है, लेकिन हमेशा जो भी उसके साथ रहने आता है वो उसे कोई ना कोई रूल्स तोड़ने पर भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि जीहो भी घर ढूंढकर थक चुकी है। तब उसकी फ्रेंड होरांग उसे कॉल करके एक घर के बारे में बताती है जिसकी ओनर एक लड़की है और वो हाउस मेट ढूंढ रही है। बस घर की ओनर के कुछ रूल्स हैं, जैसे घर साफ रखना, उसकी बिल्ली को खाना देना वगैरह वगैरह, क्योंकि वो लेट नाइट तक ऑफिस में काम करती है। जीहो वहाँ रहना शुरू हो जाती है। घर और किसी का नहीं बल्कि सीही का ही है। जो लेट नाइट वापस घर आकर देखता है कि उसका घर तो बहुत चमक रहा है, वो खुश होकर सो जाता है। सुबह जीहो और सीही दोनों अलग टाइम पर उठते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। बस दोनों की मैसेज पर बात होती है। सीही अपने ऑफिस वालों के साथ एक रेस्टोरेंट आता है। जीहो भी अपने दोस्तों से वहीं मिलने आती है। जब वो फ्रेश एयर लेने रेस्टोरेंट से बाहर आती है, उसे सीही बैठा दिखता है जो मोबाइल पर उसका फेवरेट फुटबॉल मैच देख रहा था। ऐसे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों रास्ते अलग कर लेते हैं और अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सीही बस स्टॉप पहुंचता है तो उसे वहां जीहो दोबारा मिलती है। बात करते करते जीहो सीही को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिस पर सीही उससे बहुत हौसले वाली बातें करता है। जीहो सीही से उसका नाम पूछती है लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताता। इतने में बस आ जाती है। जीहो ये सोचकर उसे दोबारा नहीं मिलेगी उसे किस कर देती है। सीही हैरानी में वहीं खड़ा रह जाता है और बस भी उसे छोड़कर चली जाती है। जीहो सीही से पहले घर पहुंचकर सारे काम करके सो जाती है। इस तरह दोनों में फिर मुलाकात नहीं होती। अगले दिन आखिर दोनों में मुलाकात हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। बात करने पर पता चलता है कि दोनों को अपने दोस्तों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जीहो सीही को किस के लिए सॉरी कहती है और घर में रहने की इजाजत मांगती है, क्योंकि सीही लड़कियों के साथ नहीं रहता। वो उसे बताती है कि उसके पास अभी कहीं और जाने के पैसे नहीं और वो अपना काम पूरा करते ही घर से चली जाएगी। सीही उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तब एक दिन सीही के घर उसकी मॉम आती है। वो जीहो को देखकर सीही पर बहुत गुस्सा होती है और उसे शादी करने के लिए जल्द से जल्द एक लड़की ढूंढने के लिए कहती है। जीहो उसकी मॉम की बातें सुनकर घर छोड़ देती है। वो अपनी दोस्त सूजी को कॉल करके उसके घर रहने की इजाजत मांगती है,
लेकिन क्योंकि सूजी अपने ऑफिस में बिजी थी तो वो जीहो को कल आने के लिए कहती है। इतने में जीहो का एक राइटर फ्रेंड योंग सियोक उसके लिए छोटा सा रूम अरेंज करता है, तो वो रात वहीं सोने के लिए आ जाती है। लेकिन रात के वक्त योंग सियोक नशे में उसके रूम में घुस जाता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब जीहो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो घूमती फिरती फिर से सीही के पास आ जाती है। दोनों घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सीही अचानक जीहो को उसे शादी करने के लिए कहता है। जीहो हैरान होकर उससे सवाल करने लगती है, तो सीही उसे ये सारी बातें भूल जाने के लिए कहता है। और क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो वो जीहो को वहीं सोने के लिए कहता है। जीहो वहीं रुक जाती है और फैसला करती है कि सुबह जल्दी उठकर वापस चली जाएगी। लेकिन थकन की वजह से उसकी आंख बहुत देर से खुलती है और तब तक सीही भी काम से वापस आ जाता है। दोनों टेबल पर बैठकर बात करने लगते हैं। तब जीहो उसे शादी वाली बात के बारे में दोबारा पूछती है। वो पहले तो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का अच्छे से ख्याल रख सके, वो प्यार मोहब्बत की परवाह नहीं करता। जीहो गहरी सोच में बाहर वॉक कर रही होती है और अपनी दोस्त सूजी को कॉल लगाकर उसे लेने के लिए बुलाती है। सूजी फौरन उसकी मदद करने आ जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। अगले दिन जीहो अपनी बॉस के साथ डिनर पर आती है, जहां उनके साथ एक मूवी डायरेक्टर और योंग सियोक भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। योंग सियोक जीहो से सॉरी बोलता है और बाकी सब भी उसका साथ देने लगते हैं। जीहो गुस्सा हो जाती है और राइटिंग हमेशा के लिए क्विट करके उन पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। जीहो अपनी मॉम से कॉल पर बात करके अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला करती है। जीहो सीही के घर अपना सामान लेने आती है और वो घर पर नहीं होता, लेकिन फिर अचानक अपनी मॉम के साथ आ जाता है और जीहो छुप जाती है। दोनों सीही की शादी को लेकर बहस कर रहे होते हैं और जब सीही की मॉम चली जाती है तब जीहो रूम से बाहर आती है। जीहो सीही को उसकी मॉम की बातें याद करते हुए कहती है कि जैसे उसने जीहो को प्रपोज किया था वैसे वो किसी और लड़की को भी ढूंढ लेगा। तब सीही जीहो को कहता है कि उसने उसे इसलिए प्रपोज किया क्योंकि वो जीहो है और उसे जीहो के अलावा किसी और की जरूरत नहीं। जीहो गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो अपने होम टाउन आने के लिए एक बस में बैठी है। वो सीही की बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि वहाँ सीही आ जाता है। जीहो उसके घर में कुछ बुक्स भूल गई थी तो वो उन्हें लौटाने आया था। जब वो जाने लगता है तब जीहो उसे रोक देती है और उससे शादी करने के लिए ऑफर करती है। सीही हैरान जरूर होता है लेकिन यस बोल देता है। ऐसे दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। अगली सुबह जीहो को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी की शादी अटेंड करने होम टाउन से वहाँ आ रहे हैं। जीहो इस बारे में सीही को बताती है और दोनों जीहो के पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करते हैं। सीही बहुत अच्छे से तैयार होकर जीहो के पेरेंट्स से मिलने जाता है, लेकिन गलती से वहाँ उन्हें ये बता देता है कि जीहो उसके साथ रह रही है। जीहो के डैड ये सुनकर बहुत गुस्सा करते हैं। उस वक्त जीहो सीही के पांव पर लात मारती है जिससे वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और जीहो के डैड से उसका शादी के लिए हाथ मांगता है। उसके डैड मान जाते हैं और जीहो सीही के साथ खुश होकर घर वापस आ जाती है। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिस पर ये लिखा था कि दोनों शादी सिर्फ घर के लिए कर रहे हैं और इनके बीच शादी के बाद भी कोई फीलिंग्स नहीं आएंगी। जैसे ही जीहो को कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तब वो सीही से डिवोर्स ले लेगी। फिर दोनों सीही के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं जिन्हें जीहो बहुत पसंद आती है।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिर शादी का दिन आ जाता है। सेरेमनी अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो जाती है और दोनों अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलने के बाद खुशी खुशी घर आ जाते हैं। ऐसे ही नया दिन शुरू हो जाता है। जीहू सिही के लिए बहुत जबरदस्त नाश्ता बनाती है जिसकी वो बहुत तारीफें करता है। फिर वो ऑफिस चला जाता है और जीहू अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल जाती है। वो एक रेस्टोरेंट पर ओनर से जॉब के लिए बात करने जाती है जो उसे कॉल बैक करने का वादा करता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाला बॉकनैम नामी लड़का जीहू से उसका नंबर भी मांगता है और जीहू बिना सोचे समझे उसे नंबर दे देती है। इसके बाद वो सीही के ऑफिस आती है ताकि उसके साथ लंच कर सके। वो उसके कलीग्स के साथ बहुत मजे भी करती है। फिर दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जीहू रास्ते में बहुत सारी बातें कर रही होती है लेकिन सीही चुप रहता है। जब वो घर आ जाते हैं तो जीहू उससे चुप रहने की वजह पूछती है जिस पर वो जवाब देता है कि उसने जीहू से सिर्फ घर के लिए शादी की है। जीहू को ऐसे ऑफिस आने से और उसके साथ घर आने से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जीहू सैड हो जाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उससे दूर रहेगी और आइंदा ऐसा नहीं होने देगी। अगले दिन जीहू नाश्ता कर रही होती है और सीही जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जीहू को बॉकनैम की कॉल आती है। वो जीहू से डायरेक्टली पूछता है अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो। जीहू सीही की तरफ देखकर कल रात की बातों को याद करती है और बॉकनैम को कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। फिर बॉकनैम उसे रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाता है। वो जीहू को ओनर के पास ले जाता है और कहता है कि अगर जीहू को जॉब नहीं दी तो वो भी काम छोड़ देगा। ऐसे जीहू को जॉब मिल जाती है। फिर वो बॉकनैम के कहने पर उसके साथ बाइक पर बैठकर फूड डिलीवर करने के लिए जाती है। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो बॉकनैम जीहू से बहुत फ्लर्ट करता है और आखिर जीहू उसे बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है। दूसरी तरफ से ही अपने कलीग्स के साथ लंच के लिए बाहर आया हुआ था और रास्ते में वो जीहू को बॉकनैम का साथ देखकर सोच में पड़ जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें सीही को रात में उसके बेडरूम में दिखाया जाता है और वो बहुत सैड नजर आता है। अगले दिन सीही के ऑफिस वाले जबरदस्ती उसे जीहू के रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए लाते हैं, जहां सीही पूरे वक्त बॉकनैम को देखकर जेलस होता रहता है। बाहर आकर सीही के कलीग बोमी उसे कहती है कि तुम अंदर बहुत जेलस थे, लेकिन सीही ये बात मानने से इनकार कर देता है और चला जाता है। रात में काम खत्म करने के बाद बॉकनैम जीहू को अपनी बाइक पर घर छोड़ने आता है। सीही भी उसी वक्त वापस आता है और उन्हें देख लेता है। जीहू के जाने के बाद वो बॉकनैम से मिलता है और उसे दोबारा सीही को घर छोड़ने के लिए मना करता है। दोनों की लड़ाई होती है और बॉकनैम ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। सीही घर आकर बोमी का मैसेज पढ़ता है। सीही ने एक डेटिंग ऐप बनाई थी जिस पर बॉकनैम की प्रोफाइल भी थी। बोमी ने मैसेज करके बोला था कि बॉकनैम की आईडी को बहुत लोगों ने स्टॉकिंग के लिए रिपोर्ट किया है। उसी वक्त जीहू रूम से निकलती है तो सीही उसे कहता है कि कल काम पर मत जाओ। जीहू की वजह पूछने पर वो बहाना बनाता है कि उसकी बिल्ली को डॉक्टर के पास लेकर जाना है और वो खुद ऑफिस में होगा तो उसके पास टाइम नहीं। जीहू मान जाती है और कहती है कि वो काम पर लेट चली जाएगी। सुबह जब सीही काम पर पहुंचता है तो भूमि उसे बताती है कि बॉकनैम की आईडी पर इसलिए कंप्लेन आई है क्योंकि वो लड़कियों को कॉल करके बहुत परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता।
सीही बोमी को और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहकर काम में बिजी हो जाता है। लंच के वक्त वो बोमी के साथ जीहू के रेस्टोरेंट आया हुआ था। तब जीहू भी बिल्ली को क्लिनिक पर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सीही का एक बाइक वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया और जीहू फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई। उसके सर पर बस हल्की सी चोट आई थी। सीही जीहू से बात करते हुए उसे कहता है कि वापस बस में आना, वो ज्यादा सेफ है। जीहू हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है और रेस्टोरेंट आ जाती है। काम खत्म करने पर बोकनाम फिर जीहू को बहुत बोलने के बाद अपने साथ बाइक पर बिठा लेता है। सीही काम खत्म करके बस स्टॉप पहुँचता है तो वहाँ पर जीहू का फोन गिरा हुआ मिलता है। फिर हम देखते हैं कि बोकनाम जीहू को घर ले जाने के बजाय कहीं और लाता है और दोनों बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बोकनाम सीही की बहुत बुराई करता है और कहता है कि अगर अभी तुम्हें कुछ हुआ तो वो तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। इतने में वो अपनी बाइक से कुछ निकाल कर जीहू की तरफ बढ़ने लगता है कि सीही वहाँ पहुंचकर उसे धक्का देता है और उसके बाइक को गिराकर जीहू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ वो उसे बोकनाम के बारे में सब सच बता देता है और थोड़ी बातों के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सीहू को ऑफिस में पता चलता है कि असल स्टॉकर को पकड़ लिया गया है, जो बोकनाम की तस्वीरें इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसा रहा था। दूसरी तरफ जब जीहू रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बोकनाम रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा है, जो बहुत गुस्से में है। ऐसे जीहू को सच पता चल जाता है। वो सीही को कॉल करके बुलाती है और दोनों बोकनाम और उसके डैड से सॉरी करते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि बोकनाम तो बस जीहू के लिए अपनी बाइक से ड्रिंक लेकर आ रहा था। सीही एक बार फिर बोकनाम को सॉरी कहकर अपने ऑफिस वापस आ जाता है। जीहू भी रेस्टोरेंट में दोबारा काम करना शुरू कर देती है। बोकनाम और उसके बीच भी सब नॉर्मल हो जाता है। रात में वो बस स्टॉप आती है तो उसे सीही उसका इंतजार करते हुए मिलता है और दोनों साथ घर जाते हैं। सीही अपने रूम में एक बॉक्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है, जिसमें हस्बैंड वाली जगह सीही का और वाइफ वाली जगह किसी जंगमिन का नाम था। ये सीन यहीं कट हो जाता है। जीहू सीही को पसंद करने लगती है और अगले दिन सिर्फ उसकी शक्ल देखती रहती है। सीही को लगता है कि वो शायद अजीब दिख रहा है, इसलिए वो सैलून जाकर नया हेयर कट करवा लेता है। जीहू को वो और भी ज्यादा हैंडसम दिखना शुरू हो जाता है। जीहू को रेस्टोरेंट पर काम खत्म करते वक्त सीही की मॉम की कॉल आती है और वो उसे अपने घर बुलाती है। वहाँ वो जीहू से बहुत सारा काम करवाती हैं। इतने में सीही भी आ जाता है। वो जीहू की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। दोनों के वापस आने पर सीही जीहू को ये सब काम करने के पैसे देता है क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिखा था। जीहू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पैसों के बदले तुम भी मेरे पेरेंट्स की जाकर मदद करो। सीही मान जाता है लेकिन अगले दिन जीहू सीही से नाराज ही रहती है। वो सीही को अपने पेरेंट्स के घर अकेला भेजती है। उसके पेरेंट्स सीही को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत काम करवाते हैं। जीहू सीही की फिक्र में कुछ घंटों बाद खुद भी वहाँ आ जाती है। सीही उसे देखकर बहुत खुश नजर आता है। कुछ देर बाद दोनों समंदर के किनारे बैठे नजर आते हैं। सीही जीहू के साथ बीते हुए सारे पलों को याद करता है। वो जीहू को बस स्टॉप वाली किस के बारे में याद दिलाकर किसकी बुराइयां करने लगता है। जीहू उस पर गुस्सा करने लगती है, तब वो उसे किस कर देता है। किस करते हुए जीहू के पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो उन्हें वापस आने के लिए बोलती हैं। दोनों शर्माकर वापस आते हैं। फिर जीहू के पेरेंट्स को गुड बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं।
घर आकर सीही जीहू को बोलता है कि आज का दिन उसे बहुत पसंद आया। जीहू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और एक दूसरे की फोन पर तस्वीरें देखते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सीही जीहू को रेस्टोरेंट पर काम खत्म करने के बाद डेट पर ले जाता है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीही जीहू को इयररिंग्स और प्लश टॉय भी गिफ्ट कर देता है। इसके बाद जीहू सीही को एक कैफे में लाती है, जिसके बारे में सीही के दोस्त ने उसे बताया था। सीही कुछ यादों में गुम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसी कैफे में सीही का जंगमिन नामी लड़की से ब्रेकअप हुआ था। लेकिन फिर जब वो जीहू को देखता है तो खुश नजर आता है और जंगमिन के बारे में सब कुछ भूल जाता है। दोनों वापस आने पर पहली बार साथ सोते हैं, जहां सीही जीहू को हग भी करता है और किस भी। इसके बाद सुबह ऑफिस जाने से पहले सीही जीहू के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जाता है। जीहू उठकर जब ब्रेकफास्ट देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर वो काम पर आती है, जहां उसे जंगमिन मिलती है। जंगमिन को किसी डायरेक्टर की वजह से जीहू के काम के बारे में पता चला था और वो जीहू के साथ काम करना चाहती थी। जीहू पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोल देती है। दोनों बात करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जीहू जंगमिन को अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बताती है, जिस पर जंगमिन जीहू को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड था और दोनों शादी करने वाले थे। जंगमिन प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर मिसकैरेज के बाद वो उस लड़के से ब्रेकअप करके कहीं दूर चली गई थी। थोड़ी और बातों के बाद जंगमिन जीहू को घर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जीहू बाथरूम जाती है, तब सीही उसे ढूंढता हुआ आता है, तो उसकी मुलाकात जंगमिन से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब जीहू बाथरूम से निकलकर दोनों को देखकर सब कुछ समझ जाती है और बहुत सैड हो जाती है। सीही कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीहू बाहर आती है और जंगमिन से ये कहकर चली जाती है कि उसका घर करीब है और वो खुद वापस चली जाएगी। जीहू घर आकर सीही के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अगले दिन जीहू जंगमिन के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है, जहां वो सीही के बारे में उसे बता देती है। इसके बाद सीन्स चेंज करके दिखाया जाता है कि जीहू सीही के डैड के बुलाने पर उनसे मिलने आती है, जो उसे सब काम छोड़कर घर संभालने के लिए कहते हैं। जीहू सैड होकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ सीही जंगमिन से मिलने आता है, जहां वो सिर्फ जीहू के बारे में सोचता रहता है। सीही समझ जाता है कि वो जीहू से प्यार करता है। वो जल्दी से उठकर घर आने के लिए निकल जाता है। घर आकर सीही को कन्फेस करने से पहले ही जीहू उससे डिवोर्स मांग लेती है। उसके दिमाग में सिर्फ जंगमिन और सीही के डैड की बातें घूम रही होती हैं। सीही कुछ नहीं कहता और अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर सामने रख देता है। जीहू चाहती है कि सीही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। फिर दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं। जीहू अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सीही रात में जीहू के रूम में बैठकर बहुत रो रहा है। जीहू माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने चली जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सीही के बगैर नहीं रह सकती। वो वापस आती है तो उसकी दोस्त होरैंग उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है, क्योंकि होरैंग खुद दूसरे घर में मूव कर रही है। जीहू उसके घर में अपना सामान छोड़कर सीही से मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सीही ने भी अपना घर किसी और को दे दिया है। वो जब वापस होरैंग के घर आती है तो वहाँ उसे सीही मिलता है। होरैंग का बॉयफ्रेंड सीही के ऑफिस में काम करता है और उसने सीही को उनके घर भेजा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जीहू भी वहीं है। सीही बहुत ज्यादा नशे में था, तो उसे सब ख्वाब लगता है। वो फिर रोते रोते सो जाता है। जीहू उसके आंसू पोंछकर उसके पास लेट जाती है। सुबह जब सीही उठकर जीहू को देखता है
तो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। जीहो उससे बहुत माफी मांगती है और उसके बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और जीहो सीही को दोबारा कभी अकेले न छोड़ने का वादा करती है। इसके बाद 3 साल बाद का वह दिखाया जाता है। सीही और जीहो खुशी खुशी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। यही ये सीजन एंड हो जाता है। इस सीजन से हमें ये भी समझ आता है कि क्योंकि हमारे पास एक ही जिंदगी है तो हमें बिना किसी से डरे सिर्फ अपनी सुननी चाहिए और खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए।